अरे सुनो, कल रक्षाबंधन है, दीदी का फोन आया था, वो आ रही है कल। उसका तो यही काम है, जब कुछ लेने का मन हो तो मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है। अब तो वैसे ही उसके पास बहाना है कि राखी बांधकर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ, तुम सही बोल रही हो। वैसे मैं बाजार जा रहा था, तुम्हें कल के लिए कुछ मंगवाना है क्या? हाँ, चिंपू और रजत के लिए राखी गिफ्ट और मिठाइयाँ लानी है। और हाँ, थोड़ी ज्यादा लाना, क्योंकि कल मेरे भैया भी मुझसे राखी बंधवाने आएंगे। हाँ हाँ, ला दूंगा। मम्मी, मुझे ना राखी दिला दो, मैं कल रजत भैया को सबसे सुंदर राखी बांधूंगी। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा बाजार गए हुए हैं, लाते ही होंगे राखी और मिठाइयाँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, हम कब तक राखी बांधेंगे? मुझसे तो और वेट नहीं हो रहा है। बेटा, तेरे मामा जी आने वाले हैं, हम साथ मिलकर राखी बांधेंगे। अरे, वो दीदी का फोन आया, वो बस स्टैंड पर आ गई, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, कोई मैम साहब थोड़ी है जो उसे लेने जा रही हूँ। वो कौन सी सोने की राखी लाने वाली है जो उसे जाकर लाएं और उसकी सेवा करें? मुझे सब पता है, वो लेने के लिए आ रही है। हाँ, तुम सही बोल रही हो, वो अपने आप आ जाएगी। कैसे हो भैया? कैसे हो भाभी? ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ओ गई मुंह ठोकर। जाओ चिंपू बेटा, अपने बुआ के लिए पानी लेकर आओ। पापा, अभी नहीं। अरे दीदी, बैठो आप। क्या हुआ भाभी, आप इतने मायूस क्यों हो? तुझे किसने बुलाया था जो आ गई मुंह उठाकर? जब मन करता है आ जाती है, कभी खुद तो कुछ लाती नहीं है और यहाँ आ जाती है लेने के बहाने लेकर। आज भी 2 रुपए की राखी लेकर आई होगी और बड़ा सा गिफ्ट लेकर चली जाएगी। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं यहाँ कुछ लेने थोड़ी आई हूँ, मैं तो आप दोनों की लंबी उम्र की दुआ करती हुई राखी बांधने आई हूँ। मुझे पता है तुम किस नियत से आई हो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे आ गई भैया, आप कैसे हो? मुझे मत बोल अपना भाई, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इनके साथ ऐसा करते हुए? मैंने सबको सुन लिया, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर कल को रजत की पत्नी चिंपू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तुम्हारी आत्मा कितनी दुखी होगी। शंकर जी, आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था, आपने सीमा के साथ मिलकर अपनी बहन को जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, अपनी ननंद से मांग, तो उसकी गुनहगार है। मुझे माफ कर दो मीनू, मैं अपने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ यही बहुत है। और भाभी, कोई भी बहन धनिया गिफ्ट के लिए अपने भाइयों के राखी बांधने नहीं आती, वो तो कुछ पल अपने भाई भाभी के साथ खुशी के बिताने आती है। अरे लेट क्यों कर रहे हो, राखी का मुहूर्त निकले जा रहा है, चलो चलो जल्दी से राखी बांधो।